सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर आवाज नहीं आ रहा है। ओके अभी आ रही है आवाज। हाँ ओके तो लास्ट टाइम हमने वर्ब्स एंड टेंसेस शुरू किया था, ठीक है। हाँ इसमें मैंने आपको बताया था वर्ब्स वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब्स और दूसरा क्या था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स ये इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब क्या होते हैं? जैसे कि गो, वेंट, गॉन, एक्शन हुए जिसमें गोइंग, गोज। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये कोई फोर्थ फिफ्थ होता नहीं है, बट हमने बना लिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। इसको हम लोग वर्ब का फोर्थ बोल देते हैं, इसको वर्ब का फिफ्थ बोल देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, समझने के हिसाब से, बाकी कुछ होता नहीं है। कोई बोले वर्ब कितना फॉर्म होता है, वी कैन ओनली से थ्री फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गो, वेंट, गॉन। बाकी गोइंग इज एंड गोज, दे आर बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो गोइंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में एस ओ ई एस लगा दो तो गोज हो जाएगा, ठीक है। तो मेन वर्ब में जो वर्ड्स आते हैं कौन से आते हैं? गो मतलब क्या होता है? जाना। तो ये ना आया लास्ट में, इस तरह से जितने भी ना वाले होते हैं वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, रोना, धोना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना, जितने भी नाना जी आते हैं सारे आपके क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर है चीज? हाँ। रैप सॉन्ग बोला था किसी ने, सर रैप सॉन्ग गाते वाले, समझ में आया ना? समझ में आया? नाना जी वाले मेन वर्ब हो गए। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कितने होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मतलब नाम से लग रहा है हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इसे बोलते हैं। सर हां बोलो। सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? हां नहीं नहीं हो रही। नहीं हो रही तो फिर सर आपका नेट में इशू होगा। There are two possibilities. Either our net is not working properly or either your net is not working properly. In both the cases, you will find difficulty. Getting it? So, you can see the net connection and the rest will come. If it doesn't come, tell me. We'll try to resolve the problem. So, helping verb and auxiliary verb, these are five types. Which are those? First is to be verb, to do verb, to have verb. Model verbs, model verbs, और semi-model verbs, semi-model verbs, ठीक है? Semi-model verb, अब confusion ना हो जाए, main verb लिखा था मैं, semi-model verbs, ठीक है? To be verb में कौन-कौन से आते हैं? Is am, are, was, were, ये पांच कहलाते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इनको? टू बी वर्ब। इन पांचों क्या बोलते हैं? टू बी वर्ब। कोई अगर आपसे पूछे कि लाइक ये टू बी, वो टू बी नहीं है, जैसे दिस इज टू बी डन, वो टू बी नहीं है, टू बी एक नाम है। जैसे मेरा नाम अशोक मिश्रा है, आपका नाम सीता, गीता, रीता, जो भी नाम हो, महेश, संजय, जो भी नाम हो, इस टाइप से इसका नाम है टू बी वर्ब, जिसमें ये पांच आते हैं, इज एम आर वाज वर, ठीक है। हेलो हेलो सर, ये क्लास 7 बजे होगी? हाँ 7 बजे होगी ना मैम। ओके सर, थैंक यू। क्यों सर? अभी मेरा एमए का लेक्चर रहता है ना, मैं इसलिए पूछ रही थी। मैम एमए का लेक्चर रहता था, आपको शाम को जाना चाहिए था ना, अभी क्यों आए? मुझे लगा कि इंग्लिश का लेक्चर है तो नहीं होगा शाम को। नहीं ऐसा नहीं है, इंग्लिश का लेक्चर हो, मैथ्स का लेक्चर हो, एक दिन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजन, बाकी आपका जो भी मॉर्निंग में लेक्चर होगा सेम इवनिंग में रिपीट होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके फाइन। सो टू डू लेक्चर इज लाइक कितने होते हैं? डज, डू, डिड, ठीक है। डन होता है क्या? नहीं होता डन, ठीक है। टू हैव वर्ब क्या होता है? हैज, हैव और हैड। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? विल, वुड, 11 होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, Could, may, might,
may, might, must, used to, ought. ये 11 होते हैं मॉडल वर्ब्स. और सेम मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? दो होते हैं, डेयर या नीड. और ये कब होते हैं? जब क्वेश्चन मार्क लगा हो या नॉट लगा हो. तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ. समझ में आपको? तो ये आपके हो गए हेल्पिंग वर्ब. तो मेन वर्ब आपने पढ़ा था नाना जी वाले, आना जाना खाना पीना. और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? था थे थी ता ते थी गा गे गी चुका है चुके हैं जाएगा सकता है सकती है हो सकता है ना. समझ में आपको? तो ये आपके क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब. जब कोई भी सेंटेंस बोलोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब आता है कि नहीं आता है? कि वो जा रहा. अब जा रहा जाना तो बोल दिया आपने, वो जा रहा अब बोलना पड़ेगा ना. है था चुका है या जाता है या जाएगा या जा सकता था, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना आपको. तो जो हेल्प करता है इसको मेन वर्ब को स्ट्रक्चर कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया. समझ में आपको ये चीज? इज सिंगुलर होता है, एम का सिंगुलर प्लस को मतलब नहीं, सिर्फ आई के साथ लगता है. आर प्लूरल होता है, वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर प्लूरल के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है, डू प्लूरल के साथ लगता है, डिड सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ लगा सकते हो आप, हैज सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है, हैड सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ लगा सकते हो. और विल वर्ड शैल शुड, यहाँ सिंगुलर प्लूरल कोई भी लगा दो चलेगा, यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल कोई भी लगा दो चलेगा. I will go there, he will go there, she will go there, they will go there, सब चलता है. I would have gone there, she would have gone there, they would have gone there, it would have been done, कुछ भी बोल सकते हो आप. और यहाँ पे I had gone there, he had gone there, they had gone there, she had gone there, सब चलता है. I did not go there, she did not go there, they did not go there, सब चलता है. बट यहाँ पे क्या, they do और she does, she do नहीं बोल सकते हो आप. समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आपको? जिसने पहला क्लास अटेंड नहीं किया था आप चाहो तो लिख लो ये, तो रेट आपको समझ में आएगा आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. वैसे फर्स्ट लेक्चर में दिया था मैंने आपको ये सब चीजें. और मेन वर्ब का समझ में आ गया ना, चाहे एक लाइन लिख लो तो भी समझ में आएगा. गो वेंट गॉन गोइंग गोज, इसी टाइप से ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ, फोर्थ मतलब आई एन जी फॉर्म, और ये फिफ्थ मतलब एस और ई एस फॉर्म. अब गो की जब आप चाहो तो लिख दो टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. मतलब होता है शुड जैसे आता है, ऑटो का मतलब भी जैसे, बट ये ऑब्लिगेशन के लिए होता है. जैसे यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आप बोलो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. बट हम बोल रहे हैं यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, क्यों? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स नहीं बोल सकते हम लोग. मतलब आपको आपको पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स गलत है, क्योंकि ऑब्लिगेशन है ना, मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ आना चाहिए. तो वहां पर हम लोग ऑट टू यूज करते हैं, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स. बाकी शुड का मतलब और ऑट टू का मतलब एक ही होता है, मीनिंग वाइज दोनों सेम है. और यूज टू आदत में है, आदत में था. सर मेरा नेटवर्क इशू होता है इसलिए फिर से बताओ ना. ऑटो वाला जो है, ऑटो का मतलब होता है वही होता है जो शुड का मतलब होता है. बट ये क्या होता है, ये जैसे अपने रिस्पेक्टफुल कहीं बोलना हो आपको,
जैसे आपको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है ना, एक रिस्पेक्ट वाली बात है ना, तो वहां पे ये नहीं बोलते यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अब क्या बोलना चाहिए यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, बट मीनिंग दोनों सेम आता है, ऑट टू मतलब वही होता है चाहिए और शुड मतलब भी होता है चाहिए, समझ में आया आपको, वो तो डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो मेरा पढ़ाया नहीं मॉडल वर्ब्स, मैं आपको कंसेप्ट तो क्लियर कर रहा हूँ, एक बार आपको ये टेंसेस वाले कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, लेकिन मैं टेंसेस आपको देख ही रहा हूँ ना, वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आपके स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे आज तक, ये पढ़ लिया आपने, ये समझ में आ गया आपको, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये पढ़ा रहा हूँ टू बी से टोटल 10 सेंटेंस बनते हैं जो दुनिया भर में चलते हैं, टू डू से 4 बनते हैं, टू हैव से 10 बनते हैं, मॉडल वर्ब से 6 बनते हैं, और ये ऐसे मॉडल वर्ब से 2 बनेंगे, कितना हुआ टोटल 10, 20, 24, 30, 32, और इससे बनेंगे आपके, एक इससे बनेगा 32, 33, और एक इससे बनेगा 34, मतलब 2 सेंटेंस यहाँ से बनाना है, तो टोटल 34 स्ट्रक्चर्स हैं, टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं 34, अगर आपने 34 पढ़ लिया तो समझ लो फिर आपको कोई भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, कैसे बोलूँ मैं, ना हैज हैव हैड डू डज डिड विल वुड शैल शुड, जो लगाना है आपको, जैसा भी स्ट्रक्चर बनाना है कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस ये 34 लाइन पढ़ ली तो, अभी ये 34 लाइन जो है ना आपको अलग अलग जगह पढ़ा जाता है, आपको टेंसेस अलग पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, वहाँ पागल होते हो पहले आप, फिर उसके बाद आते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर और पागल करते हो इनडायरेक्ट स्पीच, वो सब कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर, और फिर वर्ब्स अलग पढ़ते हो, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वो सब जो है वो अलग पढ़ते हो आप, मैंने सबको क्लस्टर करके एक ही बना दिया है, बस ये 34 स्ट्रक्चर याद कर लो, सारे टेंशन खत्म, फिर कोई भी गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि एग्जाम में कोई आपसे पूछेगा नहीं ना प्रेजेंट इंडिफरेंट के 2 एग्जाम्पल बताओ, अब वो जमाना चला गया ना जब पूछा जाता था कि भाई वर्ब की डेफिनेशन बताओ, आपसे वो तो कोई आएगा नहीं ना, स्कूल में नहीं हो ना अभी आप, आपको मेन चीज क्या है कि आप जो भी लाइन बोल रहे हो वो सही होना चाहिए, या जो भी लाइन वहाँ लिखा हुआ आपको करेक्शन देखना है कि इसमें गलती है क्या, एक तो गलती ढूंढना आना चाहिए और खुद की गलती समझ में आना चाहिए, और जब आप बोल रहे हो आपको मतलब पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या आ रहा है, मतलब वॉट एवर यू आर सेइंग तो व्हाट मीनिंग इट कंसिस्ट, आपको ये पता होना चाहिए, हेलो सर आवाज चली गई आपकी, हेलो हेलो आ रही आवाज, हाँ सर, हेलो हेलो सर, हाँ बोलो, हाँ आ रही है सर आवाज, आ रही है ना, तो ये समझ में आया ना, मतलब ये 34 स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो है ये 10 स्ट्रक्चर्स पढ़ा दिया है मैंने, ये 4 पढ़ा दिया है मैंने, वी आर मूविंग विद दिस, इसमें भी 2 पढ़ा दिए थे, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ तक हो गया है 2, ये आप टेंशन ना लें, वीडियो भी है आपके पास, आप चाहो तो देख के समझ सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो आपके जो नए लोग हैं उनके लिए चैप्टर दोबारा रिपीट होगा, तो वो टेंशन ना लें इस चीज़ का, तो वी विल स्टार्ट विद दिस वन, अब ये 10 और 4, 14 स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुका हूँ मैं, अब मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जो आज से ज्वाइन कर रहे हैं वो यहीं से समझने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी ये 2 जो आपको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, मेन चीज जो कंसेप्ट था वो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब बना सकते हैं क्या, बिना मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कोई भी लिए बिना बना सकते हो, नहीं सर बनेगा ही नहीं, आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, ये लिख लिया ना आपने, ये 34 स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो सेंटेंस होता है इंग्लिश का कोई भी विच कंसिस्ट ऑफ मीनिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है मेन आपका इंग्लिश में, बिना वर्ब के सेंटेंस बनता ही नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के सही सेंटेंस बनेगा ही नहीं कभी, हाँ वर्ब में क्या हो सकता है आपका सब्जेक्ट हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, फिर मेन वर्ब भी हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, मतलब ओनली विथ मेन वर्ब, ओनली विथ हेल्पिंग वर्ब, या विथ बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, जैसे बोलो ही कम्स लेट, अब देखो यहाँ कम्स क्या है, खाली मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं आपकी इस लाइन में, ही इज माई फादर, वो मेरे पिताजी हैं, अब यहाँ देखो यहाँ मेन वर्ब कुछ भी नहीं, खाली हेल्पिंग वर्ब इज, और यहाँ देखो ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू, अब यहाँ देखो इज आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, कॉलिंग आपका मेन वर्ब भी है, तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर ही बना सकते हो आप, बट विदाउट वर्ब बनेगा ही नहीं सेंटेंस कभी भी,
या तो आप मेन वर्ब लगा के बनाओगे या आप हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाओगे या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों मिला के बनाओगे, बट बिना वर्ब के सेंटेंस बना ही नहीं सकते। हाँ, idiom phrases की बात अलग है, क्योंकि idiom phrases सेंटेंस नहीं होते, सेंटेंस की डेफिनेशन है। सेंटेंस जो आपका है ना इंग्लिश में, आप अगर बुक उठाओगे सबसे पहला चैप्टर होता है सेंटेंस, और सेंटेंस की डेफिनेशन यही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम क्या टेंस, जिसका कोई मतलब निकले, खाली टेंस नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम टेंस नहीं। अब मैं बोलूं ही इज कॉलिंग यू तो समझ में आ रहा है सेंस है यहाँ पे। अब मैं बोलूं कि चेयर इज कॉलिंग यू, चेयर इज कॉलिंग यू, अब ग्रामेटिकली तो ये भी सही है, चेयर हो गया आपका सब्जेक्ट नाउन है, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग हो गया मेन वर्ब, यू हो गया सही है, बट आप बताओ चेयर कॉल करता है क्या? तो ग्रामेटिकली सही है वो, बाय टेंसेस सही है, बट बाय टेंस गलत है। और सेंटेंस किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम टेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम टेंस नहीं। तो टेंस के हिसाब से तो ये भी गलत नहीं है, आपने सब्जेक्ट ले लिया नाउन चेयर, हेल्पिंग वर्ब ले लिया मेन वर्ब ले लिया ऑब्जेक्ट ले लिया, बन गया ना सेंटेंस चेयर इज कॉलिंग यू। लेकिन आप बताओ सेंस है क्या इस चीज का? ट्रेन इज राइटिंग ए लेटर चलेगा, ट्रेन इज राइटिंग ए लेटर, तो ग्रामेटिकली सही हो सकता है, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा, मतलब टेंसेस हो सकते हैं, बट सेंस नहीं निकलेगा तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम सेंस, याद रखना सेंस होना चाहिए उसका, हर चीज मशीन से नहीं होता ना, तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमको सेंस वाला। ये लिख लिया आपने, समझ में आपको कैसे सेंटेंस बनेंगे? ओनली विद मेन वर्ब, ओनली विद हेल्पिंग वर्ब, और इधर बोथ विद मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हैव वर्ब, टू हैव वर्ब्स पढ़ते हैं हम लोग। टू हैव वर्ब्स में पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब प्लस टू हैव वर्ब प्लस और इसमें एक्टिव वॉइस, और मतलब क्या निकलता है? काम किया है, काम किया है, या था या थे या थी, ये मतलब आता है, या काम कर, ऐसे ही बोलते हैं लोग, कर चुका है, चुकी है, या चुके हैं, अब यह है के साथ था, चुका, चुकी, ये चुके, है, था, थे, या थी, तो ये दो टाइप से बोला जाता है इस लैंग्वेज में। और ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है बता चुका हूँ मैं आपको, तो दोबारा सुन लें आप लोग। एक्टिव वॉइस मतलब लड़का मार के आया तो लड़का एक्टिव है, पिट के आया तो पैसिव है, सिंपल सा लैंग्वेज, समझ में आया ना? मतलब अगर सब्जेक्ट ने कुछ काम किया है तो एक्टिव है, अगर बोलो कि ही हैज कॉल्ड यू, मतलब उसने बुलाया कि उसको बुलाया गया है, ही हैज कॉल्ड यू, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड यू, तो प्रिंसिपल ने बुलाया या प्रिंसिपल को बुलाया गया है? प्रिंसिपल ने बुलाया, प्रिंसिपल ने बुलाया, सब्जेक्ट ने किया है तो एक्टिव है। लेकिन अगर बोलो कि यू हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, मतलब आपने बुलाया या आपको बुलाया गया है? आपको बुलाया गया, बुलाया गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। तो जहां पे सब्जेक्ट कुछ करता है तो एक्टिव है, और जहां सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है तो पैसिव है, सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा। मतलब आप मार के आ रहे हो तो एक्टिव है, लड़का बड़ा एक्टिव है, मार पिट के आ रहा है, और खुद पिट के आ रहा है तो पैसिव है। आप खुद डाउट पूछ रहे हो, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक्टिव हो, और बाजू वाले को सिंपली खोद के बोल रहे हो यार पूछे सर से, ये वाला डाउट समझ में नहीं आया, तो क्या हो गया? आप पैसिव। अगर आपके साथ कुछ काम होता है तो पैसिव हो, अगर आप कुछ काम करते हो तो एक्टिव हो। क्लियर है, समझ में आपको? डाउट? हाँ बोलो, सेंटेंस बनाओ इसका, आप सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ टू हैव वर्ब में कितने सारे हैं जो ले सकते हो आप? या तो आप हैज ले सकते हो, हैव ले सकते हो इसमें से, या फिर हैड। अब आपको सेंटेंस बनाना है, एक सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव हैड में से कोई एक लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। सेंटेंस हमेशा ऐसा होगा कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है, एक्टिव वॉइस बनेगा, ध्यान रखना है, मीनिंग जो आएगा काम किया है था थे थी, या कर चुका है था थे थी, इस तरह से मीनिंग आएगा। बताओ आप, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ही हैज टेकन माय कॉपी, ही हैज टेकन माय पेन ले लो, उसने मेरा पेन लिया है, तो काम किया है ना, उसने मेरा पेन लिया है, मतलब लिया है, दिया है, किया है, कोई जो मतलब किया है, लिया है,
दिया है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस अपने वर्ब क्या लगाया उसके बेस पर डिपेंड करेगा। Sir have taught me max. Sir have नहीं आएगा, है जाएगा। Sir singular है। Sir has taught me max. Taught, taught, taught me max. Sir ने मुझे मैथ्स पढ़ाया है। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा लिखो ना। Sir taught me English. मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं? ठीक है English. She has written a letter. She has written a letter. Letter. हो सकता है सर। हाँ हाँ, she has written a letter. उसने लेटर लिखा है सर। खाली हैश पे बना रहे हो आप, हैश पे बनाओ। अब जो प्लूरल है वो है होंगे, जैसे I, we, you, they, ये प्लूरल होते हैं ना। इसके अलावा नहीं नहीं, अभी सुन लो, अभी सुन लो, खाली I, we, you, they नहीं, my friends। तो उसके बाद और बताओ, trains, buses, मतलब खाली सब्जेक्ट, खाली आई वी यू दे पे खाली प्रोनाउन पे मत जाना, नाउन पे मत जाना। चलो जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ट्यूबलाइट, पेन, लैपटॉप, मोबाइल, सब सब्जेक्ट है। माय फ्रेंड्स हैव टू गो टू द मार्केट। मैम हैव टू के बाद टू नहीं लगाया मैंने अभी, अगर खाली हैव वाला बताओ, टू नहीं लगाया मैंने। चलो देखो, माय फ्रेंड हैव टॉट मी टू डांस। माय फ्रेंड हैव टॉट मी टू डांस। Has taught me to dance. Has taught me how to dance. ठीक है, has taught me to dance या has taught me how to dance. मैं डांस सिखाया है। काम किया मैडम, देखो अब इधर से बनाओगे ना बनेगा नहीं सेंटेंस। अब इधर हिंदी में बोलो आप, काम किया है, लिया है, दिया है, कर चुका है, बोलो आप, या हिंदी बोलो एक सेंटेंस। मुझे हिंदी में चाहिए, इंग्लिश बोलना ही मत अभी। हिंदी में बताओ कोई चीज, काम किया है, मैंने उसका मुँह तोड़ दिया है, बोलो इंग्लिश में। मैंने उसका मुँह तोड़ दिया है, इंग्लिश बोलो। जो बोलते हो वैसा बोलो ना यार, ऐसा बना रहा है ऐसा, पता नहीं बच्चे वैसा कोई गांव में जाके और क्या बोलते हैं, मैंने किताब खरीदा है, फिर थोड़ी देर बोलोगे मैंने लैपटॉप खरीदा है, फिर बोलोगे मैंने मोबाइल खरीदा है, एक ही सेंटेंस बना रहे हो। बोलो ना, मैंने उसे मुंह तोड़ दिया है, मैं उसे खाने कुछ नहीं दिया है, उसे भगा दिया है, ये सब भी यही सब किया है ना, काम किया है। क्या काम किया है? मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं किया है, या मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लिया है, ऐसा कुछ बताओ ना सेंटेंस। लगे हो खाली खाया है, पिया है, सर ने मुझे पढ़ाया है, एक ही लाइन बोले जा रहे हो। मैं यहाँ इंग्लिश बता रहा हूँ तो कोई बोल रहा डांस पढ़ाया, डांस सिखाया है, वो बस सिखा दिया मैंने जितना सिखाना था। अब आप बताओ, बोलो इधर से, बोलो पहले हिंदी बोलो, फिर खुद इंग्लिश को दूसरा इंग्लिश बताए, जितना टफ बोल सकते हो हिंदी वाले सेंटेंस बोलो, इंग्लिश बाकी लोग बताएंगे। इंग्लिश से टेंशन आप मत लो, बोलो। हाँ बोलो, मैंने मार पिटाई की है। मैंने मार पिटाई की है, बोलो बाबा इंग्लिश बताओ, इन्होंने मार पिटाई की है, एक्टिव लड़का बताओ, इंग्लिश बताओ। अब ट्रांसलेट मत करना मार पिटाई की, इंग्लिश बट ढूंढने लगना। मार पिटाई का एक ही मतलब होता है क्या? आई हैव डन फाइटिंग। ही हैज डन फाइटिंग, वैसे बोलो यही हैज टीचर हैज गिवन होमवर्क। अरे होमवर्क कहाँ गया मैडम, हिंदी बताओ, उसने जो हिंदी बोला था उसकी इंग्लिश बताओ, उसने मार पिटाई की पहले वो तो बताओ। अब हिंदी मैं बोलूंगा, इंग्लिश आप बोलोगे। ही हैज मार पिटाई किया ना, ही हैज डन फाइटिंग। ही हैज डन फाइटिंग, डन फाइटिंग नहीं होता, आप बताओ ऐसा लगता है कि ही हैज डन फाइटिंग? डिड, ही हैज फॉट बोलो, या तो उसने लड़ाई किया है, ही हैज फॉट, ठीक है, या फिर आप बोलो कि ही हैज एंगेज हिमसेल्फ इन द ब्रॉल, इन द ब्रॉल, बी आर ए डब्ल्यू एल, ब्रॉल मतलब मार पिटाई। He has engaged himself in the brawl. उसने अपने को मारपिटाई में डाल दिया था, मारपिटाई कर रहा था। चलो और बताओ सेंटेंस। He has created an issue. He has created an issue. उसने इशू क्रिएट किया है। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, आप इंग्लिश बताओ। हिंदी अब मैं बोलूंगा, आप हिंदी बोल नहीं रहे, बड़ा आसान आसान सेंटेंस बोलते हो। अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप सिर्फ इंग्लिश बताओ। मैंने मैंने पैसा ले लिया है,
I have taken money. समझ में आया ना? I have taken money. ठीक है? मैंने उसे समझा दिया है. आप सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना? मैंने उसे समझा दिया है. आपको मैं तंग नहीं करेगा. बोलो. मैंने उसे समझा दिया. वो तुम्हें तंग तंग नहीं करेगा. I have made him understood. I have made him understand. He will not create an issue for you further. ठीक है? या अंडरस्टैंड में देखो मेक यू अंडरस्टैंड मतलब होता है समझाना. आई एम मेक यू अंडरस्टैंड ये हो गया बच्चों वाली लैंग्वेज. आपको समझा दिया उसे समझा दिया तो मेक का क्या हो जाएगा मेड. आई हैव मेड हिम अंडरस्टैंड या फिर बोलते हैं आई हैव इलुसिडेटेड हिम. इलुसिडेटेड हिम मतलब उसे समझा दिया है. ये एक्चुअल वर्ड है इलुसिडेट करना. इलुसिडेट करना मतलब समझाना. आई हैव इलुसिडेटेड हिम. आप बताओ मुझे मैंने दरवाजा खोल दिया है. I have opened the door. और मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था. क्योंकि मैंने था बोला मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था. कर दिया है बोलूंगा क्या होता है. आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है. और आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था. समझ में आ रहा है आपको. तो हैड का मतलब था होता है और हैज का मतलब भी है होता है और हैव का मतलब भी है होता है. जल्दी लग जाता है मतलब ये प्लूरल के लिए होता है और ये सिंगुलर के लिए होता है. वैसा ही अंतर है. और बाकी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हैड लगता है. बाकी इसका मतलब क्या होता है साथे थी मतलब आता है. समझ में आया आपको. और बताओ क्या किया है. मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है. बोलो. I have started recording. मैंने वो जॉब छोड़ दिया है. I have left my job. I have left my job. Leave कैसे हो. Leave तो first form होता है. मैं third form लिखा हुआ है. I have left my job. और आपने किया है कि आपको करवाया गया है. Active voice. I had resigned my job. I have resigned my job. I have resigned my job. तो आपने किया है वो resign भी चल जाएगा. ठीक है. और बताओ. मैंने पानी भर लिया है. घर में नल आता है ना. मैंने पानी भर लिया है. बोलो. I have filled the water. गवर्नमेंट ने ट्रेन चालू कर दिया है. आई वे से हट जाओ. Government had started the train. Government has started the train. Started the train. इस चीज के लिए कानून बन गया है. इस चीज के लिए नहीं सुन लो मेरी बात. इस चीज के लिए कानून बन गया है. यही लाइन बोलनी है. इस चीज के लिए कानून बन गया है. Rule has been made for this crime. English बहुत आसान है. क्या? The rule has been. The rule has been implemented. बन गया है. The rule has been defined. तो यहाँ पे has been आ जाएगा. ये वाला नहीं होगा. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? एक्टिव वॉइस नहीं है. रूल ने कुछ नहीं किया. रूल के साथ चीज किया गया. तो देखो यहाँ पे गलत हो गया. ये स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस नहीं बनेगा. मैं यही बताने की बोल रहा था आपको. रूल इस चीज के लिए रूल बन गया है. तो रूल ने कुछ बनाया है या रूल को बनाया गया है. रूल को बनाया गया है. रूल हैज मेड या द रूल हैज बीन मेड. पैसिव आता है. ठीक है. अब यहाँ पे रूल बन गया. ये सेंटेंस इसके अंदर नहीं आएगा स्ट्रक्चर में. क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ करता है. एक्टिव वॉइस में होना चाहिए. और ये सेंटेंस हम हिंदी में बोल रहे हैं कि रूल बना दिया गया है. ये पैसिव वॉइस है. क्योंकि रूल ने कुछ नहीं किया है. रूल के साथ कुछ हुआ है. तो ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं आया. क्योंकि ये एक्टिव वॉइस नहीं है. वो पैसिव वॉइस सेंटेंस. समझ में आया आपको.
गवर्नमेंट हैज इम्पोज द रूल, गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया है. द गवर्नमेंट हैज इम्पोज द रूल मतलब उसने नियम लगा दिया, इम्पोज कर दिया है, आपके ऊपर डाल दिया है जबरदस्ती. जैसे बोलो कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, गवर्नमेंट ने क्लासेस में जीएसटी लगा दिया है, बोलो जा. गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, नहीं नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंट वो होता है काम करता है, इम्पोज चार्ज, चार्ज या लेविड, चार्ज लेविड या इम्पोज, आवाज बहुत आ रही किसी की, जैसे चार्ज या इम्पोज या लेविड. मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया है, मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया है. I have completed the course. ठीक है. और कैलेंडर लटका दिया गया है, मैडम कैलेंडर लटका रही है, कैलेंडर लटका दिया गया है, बोलो. कैलेंडर लटका दिया गया है, बोलो. कैलेंडर ने कुछ लटकाया है क्या? नहीं, कैलेंडर को लटकाया गया था, पैसिव बन रहा है, तो ये वाले स्ट्रक्चर में नहीं आएगा वो भी संडे. कैलेंडर लटका दिया गया नहीं बोल सकते, यहाँ पे जो भी लगाओगे उसने कुछ किया होना चाहिए. कैलेंडर कुछ कर रहा है क्या? नहीं. हाँ, अगर बोलोगे मैडम ने कैलेंडर लटका दिया है, अब बनेगा इस घंटे, काम किया गया है ना, काम किया है ना, तो मैडम ने कैलेंडर लगाया है, क्या हुआ? मैडम हैज हैंग द कैलेंडर, ये बनेगा. बस कैलेंडर लटका दिया गया है नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि कैलेंडर कुछ नहीं कर रहा, कैलेंडर को लटकाया गया है. हाँ बोलो, मैडम हैज हैंग द कैलेंडर, ये बनेगा इसमें. समझ में आ रहा डिफरेंस? इसलिए मैं गलत भी बता रहा था, क्या कुछ क्लियर हो कि हो क्या रहा है इसमें? पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझ में आ गया आपको इसके साथ साथ? हाँ सर. बना लोगे सेंटेंस पे? इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सेंटेंस बनाओगे, 10-10 सेंटेंस बनाओ इसके ऊपर, जितने ज्यादा सेंटेंस बनाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा बनाने के. आपको करना क्या है, कोई सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव हैड, डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाओ, प्लूरल है तो हैव लगाओ, पास्ट टेंस है तो हैड लगाओ, और यहाँ से लेने के बाद फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ. जो भी काम करवाना है, जो भी यहाँ काम बता रहे हो, ये काम जो करना है या कर चुका है, जो भी बोलना है आपको, ये वर्ब यहाँ लगाओ. और सेंटेंस ऐसा होना चाहिए सब्जेक्ट ने कुछ किया होना चाहिए, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए. ये मत बोलो कि ये मर गया है, इसने मार दिया है बोलना पड़ेगा. अगर ये मर गया है इसके, अगर ये मत बोलो कि ये किसी को अस्पताल ले जा सकता है, अब इसको उठा के अस्पताल ले जाओगे तो पैसिव हो जाएगा. ये एक्टिव होना चाहिए, जो भी होना चाहिए. समझ में आ रहा आपको? स्ट्रक्चर सही बनेगा. हेलो सर, मेरा स्कूल खत्म हो गया है, इसका बन सकता है क्या? मेरा स्कूल खत्म हो गया है. अब स्कूल खुद खत्म हो गया है, मतलब स्कूल ने कुछ किया है या स्कूल को खत्म हमने किया है, बंद किया है? हमने खत्म किया है. तो फिर हमने क्या थोड़ी हो जाएगा, स्कूल ने कुछ किया होना चाहिए, सब्जेक्ट है उसने कुछ किया होना चाहिए. बोलो कि स्कूल ने सबको फेल कर दिया है तो समझ में आया, लेकिन स्कूल फेल करता है क्या? नहीं. सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा ना भाई. हमने स्कूल बंद किया ना, तो वी हैव क्लोज द स्कूल, हम बना सकते हैं, बट स्कूल हैज बीन क्लोज हो जाएगा, स्कूल बंद किया गया है, तो वो पास मतलब पैसिव वॉइस बन जाएगा, स्कूल के साथ कुछ हुआ है ना. बट आपने स्कूल के साथ कुछ किया क्या होता? वी हैव क्लोज डाउन द स्कूल. आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूल. आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूल, माय स्कूलिंग. आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन. समझ में आया कैसे बनाना है सेंटेंस पे? चलो, दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग. सब्जेक्ट के बाद फिर वही टू हैव वर्ब, मतलब हैज हैव हैड में से टू हैव वर्ब लेना है, उसके बाद फिर बिन लगा दो,
और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। अब ये सेंटेंस कैसा बनेगा, कैसी बात जो अभी तक बना रहे थे आप? समझ आया आपको? अब यहाँ पे हैज, यहाँ पे क्या लेना है, टू हैव वर्ब में क्या क्या लेना है, हैव या हैड में से कोई एक लेना है, डिपेंड करता है। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हैज लेना है, प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हैव लेना है, और पास्ट टेंस होगा तो हैव होगा तो हैड लेना है। और उसके आपको क्या लगाना है, हमको बिन क्या लगाना है, हमको साथ में हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, ये लगाना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और मीनिंग क्या आएगा इसका, काम इसका मतलब क्या आएगा? पहले वाले में क्या था, काम किया है, था, थे, थी लिखा था, याद है आपको? काम किया है, था, थे, थी, इस तरह से लिखा था ना। काम कर चुका है। अब यहाँ क्या हो, काम किया, अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा मालूम क्या, गया। काम किया गया है, काम किया है नहीं, काम किया गया है। तो यहाँ पे बिन के जगह पे गया जाता है हिंदी। और ये बी, आपको कहानी बता चुका हूँ, बी बिन और बिन, ये तीनों भाई बहन है, दोनों डीएनए सेम है, बी बी बी, डीएनए तीनों सेम है, तीनों भाई बहन है। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है सर, बी बिन बिन होता क्या है? तो बी बिन बिन ये तीनों भाई बहन है, ये बड़ा भाई दिख रहा है, ये छोटी बहन, वो सबसे छोटी वाली, देखो लोग डीएनए सेम है ना तीनों का। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं सर, नो सर, नहीं हो रही ना, क्लियर है आवाज मेरी? हाँ। अभी क्लियर है सर। मेरी आवाज वैसे ही बहुत भारी है सर, टेंशन मत लो, मेरी आवाज वैसे ही बहुत फटी हुई है, अमरेशपुरी से कम नहीं है आवाज मेरी, ठीक है? चलो बी बिन बिंग, ये देखो यहाँ पे तीनों में बी क्या है, डीएनए सेम है तीनों का। आपको ये ध्यान रखना है, आपको बता चुका हूँ मैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ, याद रखना है आई एन जी इसमें लगा हुआ ऑलरेडी, इससे दोबारा इसके साथ कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म मत लगाना, मतलब आई एन जी फॉर्म नहीं लगेगा कभी भी, बिंग के साथ कभी भी आई एन जी मत लगाना, बिंग जहां भी होगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके आएगा, समझ में आपको? बिंग के साथ आई एन जी नहीं लगेगा, ऑलरेडी आई एन जी लगा हुआ, दो दो बार आई एन जी लगा हुआ तो गलत हो जाएगा, बट बी और बिन के साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं, मतलब आई एन जी फॉर्म लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा सकते हो आप, यहाँ पे वर्ग का थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, यहाँ भी वर्ग का थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, मतलब बी बिन इन दोनों के साथ आप वर्ग का थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, आई एन जी फॉर्म भी लगा सकते हो, बट बिंग के साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, आई एन जी नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी आई एन जी है, तो ये आई एन जी जो है ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, ये लड़के को बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, इसको दोबारा देने की जरूरत है, लेकिन बहनें चाहें तो क्लेम करके ले सकती हैं, समझ में आया आपको? और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पिताजी की प्रॉपर्टी है, जितना भाई का हिस्सा है उतने बहनों का भी हिस्सा है, ये तीनों ले सकते हैं, समझ में आया आपको? लेकिन आई एन जी जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो बाय डिफॉल्ट लड़के को मिल जाती है, उसको दोबारा फिर क्यों देता है? इसलिए आई एन जी कभी मत लगाना, जैसे कई बार बोल देते हैं ही इज बिंग वेटिंग वेटिंग फॉर यू सिंस लॉन्ग, वो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा है, तुम्हें लगता सही था सेंटेंस, तो ही इज बिंग वेटिंग नहीं बोल सकते आप, बिंग लगाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, आई एन जी नहीं बनेगा सेंटेंस में, कभी भी ध्यान रखना आप, क्लियर है? क्लियर है, समझ में आपको? और बी ये हमेशा मॉडल वर्ब के साथ लगता है, बिन हमेशा टू हैव वर्ब के साथ लगता है, और बिंग ये हमेशा टू बी वर्ब के साथ लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडल वर्ब मतलब क्या हो गया, विल बी, देख लो आप पहले, बाद में लिखना, विल बी, शैल बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, यूज्ड टू बी, ऑट टू बी, समझ में आया आपको? बिन बिन के साथ आएगा, हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, ये हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, और बिंग के साथ आएगा, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग, वॉज बिंग, वर बिंग, लेकिन बोलो कि हैज बिंग होता है क्या, नहीं होता है, हैव बिंग नहीं होता है, हैड बिंग नहीं होता है, इज बिन नहीं होता है, वॉज बिंग नहीं होता है, आर बिन नहीं होता है, एम बिन, वर बिंग नहीं होता है, विल बिन नहीं होता, विल बिंग नहीं होता, मतलब ये सब अपने फिक्स है, बी जो होगा वो विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज्ड टू ऑट टू, ये 11 जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ लगता है, बिन बी डबल एन बिन जो होता है इसका फिक्स है, इसके फिक्स हस्बैंड है इसका, क्या नाम है उसका, टू हैव, हैज हैव, हैड में से लगता है, इसका फिक्स है, ये 11 हस्बैंड है इसके, ये ज्यादा गलत हो गया ना, ठीक है, और बिंग जो है इसके 5 है, वाइफ है, इज एम आर वाज वर, ठीक है, समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको, याद रहेगा? हाँ सर, ठीक है, और इन सबका तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों भाई बहन है ना, मतलब एक ही होता है किसका,
इसका मतलब क्या होता है, जाना, रहना, बनना या होना, इन चारों में से कोई एक मीनिंग आएगा इन तीनों, तीनों का, तीनों भाई बहन का मतलब वही आएगा। यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, गया मतलब जाना। जैसे देखो, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, तो इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, बिन मतलब बनना। अब मैं बोलूं बी वेयर यू आर, मतलब वही रहो जहां पे हो। ही मस्ट बी देयर, वो वहां पे होगा। दिस इज टू बी डन, ये काम करना है, जाना नहीं, करना, करना। तो करना, रहना, होना, बनना, ये चार मतलब आते हैं इसके, बी बिन बिंग। और प्रॉपर्टी बता दी मैंने, कहा कैसे यूज होता है इनका। सर सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर। बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा। बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो। आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी वाला। आईएनजी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा, और हमेशा सेंटेंस जो बनेगा पैसिव वॉइस का ही बनेगा इसके साथ। इसके साथ कभी बिन लगा है तो बिंग, बिंग लगा है तो एक्टिव वॉइस बनेगा ही नहीं सेंटेंस कभी। सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस होगा और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दिमाग में बैठा लो, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट? क्लियर है सर। लिख लिया आपने ये? लिख लिया क्या आपने? हाँ सर। ओके, अब सेंटेंस बताओ इसके ऊपर। और सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, क्या मतलब? यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होगा, सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया होगा, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होगा। सर आप ही हिंदी में बताओ, हम लोग इंग्लिश में बताते हैं। तो मैं हिंदी बताऊं, आप इंग्लिश बताओगे? एक मिनट बताओ। हाँ, द कॉलेज हैज बीन क्लोज्ड बाय द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट द्वारा कॉलेज बंद किया गया है। या द कॉलेज हैज बीन क्लोज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बंद किया गया है। अब काम किया गया है, ये किया जा चुका है, कोई भी बताओ हिंदी में सेंटेंस। काम किया गया है, उसे अस्पताल ले जाया गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको अस्पताल ले जाया गया है। पूरी लाइन बताओ, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। He has been taken to the hospital. He has been taken to the hospital. ये सही हो गया। और उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ? He met an accident and he has been taken to the hospital. समझ में आपको? He has been taken to the hospital. अब इसमें अस्पताल ये ले गया है या अस्पताल को ये मतलब ये इसमें अस्पताल ले जाया गया है या ये अस्पताल को लेके गया है? उसको लिया। हाँ, तो समझ में आया ना, तो वो पैसिव वॉइस है। और बताओ काम किया गया है, क्या काम किया गया है? प्रिंट निकाल दिया गया है, सारे टेस्ट के प्रिंट निकाल दिए गए हैं। द प्रिंट हैज बीन टेकन ऑफ ऑल द टेस्ट, लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया गया है। लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। लेक्चर हैज बीन अपलोडेड बाय मी, अरे बाय मेरे द्वारा किया गया, कोई भी करे, अपलोडेड ऑन यूट्यूब पे कर दिया गया। और बताओ he has been punished for mistake. Just mute yourself. अगर आपके घर में आवाज आ रही है तो आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को। बोलो क्या? Plants have been watered. नहीं नहीं पहले हिंदी बताओ क्या? अच्छा घर में पोछा लगा दिया गया है, अब पोछे ने कुछ किया नहीं, आपने ही पोछा लगाया होगा, है ना? तो बताओ घर में पोछा लगा दिया गया है। अटक गए। पोछा को बता दूं क्या बोलते हैं? मॉपिंग होता है ना। अब बोलो। और झाड़ू लगाना स्वीप होता है, झाड़ू लगा दिया गया तो स्वीप, स्वीपर होते हैं ना स्वीप। और मॉप मतलब पोछा, तो क्या होगा? द हाउस हैज बीन मॉप्ड,
घर में पोछा लगा दिया गया था. हाउस हैज बीन मॉप्ड. और बताओ क्या किया गया है या किया जा चुका है. माय फ्रेंड हैव बीन गिफ्टेड लेटेस्ट मोबाइल टू मी. माय फ्रेंड हैज बीन गिफ्टेड मतलब मालूम क्या हुआ, फ्रेंड को किसी ने उठा के गिफ्ट दे दिया है. ऐसा बोला मोबाइल हैज बीन गिफ्टेड टू मी बाय माय फ्रेंड. फ्रेंड हैज बीन गिफ्टेड मतलब किसको दे दिया बाबा बताओ. कैसा बिल रहा है, कैसा बेचर हो गया लड़के को, ऐसा इतनी बुरी हालत नहीं आई है. माई फ्रेंड हैज बीन गिफ्टेड मतलब क्या, फ्रेंड को गिफ्ट दे दिया गया मतलब फ्रेंड को उठा के दे दिया किसी और को आपने. समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं. मोबाइल हैज बीन गिफ्टेड हो सकता है कि मोबाइल को गिफ्ट दिया गया है. मोबाइल हैज बीन गिफ्टेड मतलब काम किया गया है ना, तो मोबाइल हैज बीन गिफ्टेड मतलब मोबाइल दिया गया है जो यहाँ पर लगाओगे उसके साथ कुछ हुआ है. अब द फ्रेंड हैज बीन गिफ्टेड मतलब फ्रेंड को गिफ्ट दे दिया गया, मतलब फ्रेंड को ही गिफ्ट मान लिया आपने. ये बहुत लोगों से गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि आपसे गलती हुई, बहुत लोगों से गलती हो जाती है. अब समझ में आपको पैसिव का मतलब क्या होता है. द मोबाइल हैज बीन परचेज्ड मोबाइल खरीदा गया है, तो आपने खरीदा होगा ना. अब वहां पे आ गया बाय मी या बाय अंकल बाय कुछ भी बोल सकते हो आप. द मोबाइल हैज बीन गिफ्टेड अब बाय माय फ्रेंड या बाय अंकल, वो आगे कुछ भी लगा सकते हो पैसिव वॉइस में किसने किया है, और नहीं लगाओ तो भी चल जाता है. कौन पनिश किया गया. He has been punished for the mistake. उसको पनिश किया गया मिस्टेक के लिए, या पनिश किया गया, या ही हैज बीन स्कोल्डेड उसको डांटा गया है, या रिप्रिमेंडेड. रिप्रिमेंडेड मतलब भी डांटा गया है, स्कोल्डेड या रिप्रिमेंडेड जी बोल सकते हो, या पनिश्ड. आप सब्जेक्ट खाली हैज वाला मत बनाओ, अब हैड वाला बनाओ. कुछ किया गया था. He had been done his work. सर he has been done मतलब हो गया उसको किया गया है. अब नहीं नहीं had been सर. अरे तो ठीक है ना, तो he had been beaten बोल सकते हो, उसको पीटा गया है, लेकिन उसने कुछ थोड़ी किया है. He had been done his work कैसे हो सकता है. He has been done मतलब क्या होता है, उसको किया गया है, क्या किया गया है, काम किया गया, उसको क्या काम करोगे. He had been punished उसको पनिश किया गया था, या he had been beaten मतलब उसको पिटाई किया गया था, या he had been कुछ भी बोल सकते हो मतलब, या ये law स्थापित किया गया, the law had been made मतलब कानून बनाया गया था, या the law has been अभी क्या किया, कानून को संशोधन किया गया, क्या बोलते हैं उसको, संशोधन को जो चेंजेस करते हैं. Established नहीं नहीं, established तो स्थापित होता है, चेंज करते हैं ना. लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जहाँ पे जो लॉ चेंज होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, amendment. The law has been amended. The law has been amended. The farmer's law has been amended. अभी कानून कृषि कानून चेंज हुआ है ना. The farmer's law has been amended. अभी law के बारे में से है जाए, farmer's क्या होता है, तो क्या होता है, आता. Farmer's law has been amended. The farmer has या have? नहीं. द फार्मर होता तो फिर है आता, बट द फार्मर्स लॉ तो कानून कितने हैं फार्मर्स लॉ में, लॉ तो एक ही है ना. द फार्मर्स लॉ, अब लॉ के लिए क्या साथ क्या लाएगा, हैज लाएगा कि हैव लाएगा, बदला क्या गया ये बताओ, बदला क्या गया, किसानों को या कानून को. तो लॉ हैज होगा या लॉ हैव होगा, लॉ हैज. हाँ, तो द फार्मर्स लॉ हैज बीन अमेंडेड. The lecture has been recorded. Yeah, the lecture has been uploaded. ठीक है, और क्या किया गया है बताओ आप, काम किया गया है, कुछ भी बताओ, काम किया गया है, क्या किया गया है. अरे बताओ, ऐसे कुछ बताओ ना हिंदी में, कुछ काम किया गया है. मैंने मेरा
इट टीम की पहली पारी कप्तान ने घोषित कर दी. देखो इट हैड बीन रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी. इट हैड बीन रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी. अब कब से हो रही थी बता दो आगे. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग सुबह से बारिश हो रही थी. आप चाहो तो आगे भी लगा सकते हो ना. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता था ना याद है आपको. पास्ट परफेक्ट टेंस इट हैड बीन रेनिंग बट वो रेनिंग वाला सेंटेंस जो है वो आई एन जी वाला आ जाता है. इट हैड बीन रेनिंग वाला जो है ना वो आई एन जी वाला तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. अभी हम क्या बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस तो रेनिंग वाला नहीं बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. रेनिंग वाला सेंटेंस अलग बनेगा. वहां रेनिंग वाला भी होता है बिन के साथ वो अलग सेंटेंस बनेगा आपका. उसमें सिंस या फॉर लगता है ना आगे कब से हो रहा है टाइम बताना पड़ता है. कई लोगों को तो ये नहीं पता है परफेक्ट टेंस क्यों बोलते हैं. आपको पता है कई लोगों को नहीं पता है परफेक्ट. हमने पढ़ते आ रहे बचपन से प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सब पढ़ लिया हमने. लेकिन परफेक्ट का मतलब क्या होता है क्यों बोलते हैं सब परफेक्ट और क्यों कुछ सेंटेंस हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट. इनडेफिनिट होता है एक परफेक्ट होता है. ये दो वर्ड का मतलब कई लोगों को नहीं पता बस पढ़ते आ रहे. सिंपल इनडेफिनिट टेंस पास्ट इनडेफिनिट टेंस फ्यूचर इनडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट बोलते जा रहे हैं. लेकिन क्यों परफेक्ट है क्यों इनडेफिनेट है आई वेंट देयर मैं वहां गया था. टाइम पता है क्या कब गए थे. नहीं नहीं तो ये इनडेफिनेट टाइम तो ये इनडेफिनेट ठीक है सर. आई हैड गॉन देयर हिंदी देखो तो आई वेंट देयर मतलब मैं गया था. I had gone there मतलब मैं गया था. मीनिंग दोनों का सेम आ रहा है बट यहाँ पे टाइम क्या है परफेक्ट है क्योंकि आपको लगभग अंदाजा कब गए थे. जब आप हैड लगाते हो तो परफेक्ट टेंस में बोलते हो कि लगभग टाइम क्योंकि रिसेंट पास्ट में हुआ होता है अभी हाल फिलहाल में हुआ होता है तो इसका टाइम फिर भी पता रहता है. और यहाँ गए थे कोई टाइम फिक्स नहीं था कब गए थे. इनडेफिनिट टाइम है तो इनडेफिनिट होता है. टेंसेस इज ऑल अबाउट टाइमिंग इसे बोलते हो टाइम एंड टेंस. तो यहाँ आई वेंट देयर आई हैड गॉन देयर मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है हिंदी में. देखो तो आप मैं गया था यहाँ भी वही आ रहा मैं गया था. आ रहा कि नहीं आ रहा मीनिंग तो हम कौन सा ले आई वेंट देयर आई हैड गॉन देयर. कौन सा भी ले सकते हैं. मीनिंग में क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपको टाइम पता है कब गए थे. आई हैड गॉन देयर लास्ट मंथ आगे देना पड़ता है टाइम देना पड़ता है. तो आई वेंट देयर में टाइम नहीं देना पड़ता है. आई वेंट देयर में गया था कब गया था. आई हैव सीन ताजमहल. आई हैव सीन ताजमहल मतलब मैंने ताजमहल देखा है. और आई सॉ जैसे बोलूं कि जैसे मैं बोलूं आई सॉ ताजमहल मैं ताजमहल देखा था. अब कब देखा था नहीं पता. और आई हैड सीन ताजमहल मैंने ताजमहल देखा था. दोनों मीनिंग तो वही आ रहा ना. फिर डिफरेंस क्या है कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है. क्या गलत है इसमें दोनों सही है या दोनों दोनों में कोई एक गलत है. दोनों सही है. देखा था. अब कब देखा था कहाँ देखा था किस सिचुएशन में देखा था कैसे देखा था. हो सकता है मैंने टीवी पे देखा था कहाँ देखा था कुछ भी डेफिनेट नहीं है इसलिए ये इनडेफिनेट है. और आई हैड सीन ताजमहल मैंने ताजमहल देखा था. अब इसके आगे हम लोग बोलते नहीं भले टाइम है लेकिन एक्चुअली इसका मतलब सेंस होता है कि हमें टाइम पता है क्योंकि रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं. आई हैड सीन ताजमहल व्हेन आई वेंट टू माय अंकल्स हाउस या व्हेन आई हैड मीटिंग एट आगरा. तो मैं आगरा मीटिंग से मैंने ताजमहल देखा था. तो ये जो होता है ये आपको टाइमिंग फिक्स होता है इसलिए बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग होता है इसके अंदर भले आप बोलो चाहे ना बोलो लेकिन टाइमिंग इसमें परफेक्ट होता है इसलिए परफेक्ट टेंस बोलते हैं. यहाँ टाइमिंग परफेक्ट नहीं होता इसलिए इनडेफिनेट टेंस बोलते हैं. इतने साल से टेंस पढ़ रहे हो लेकिन आज से किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको क्यों इनडेफिनेट बोलते हैं क्यों परफेक्ट बोलते हैं. सही बोल रहा हूँ ना. सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ. टेंस नहीं पाता कई लोगों को. आज भी लोगों को टेंस का सेंस नहीं पता क्यों लगाते हैं बस लगाए जा रहे थे बोले जा रहे थे लगाए जा रहे थे. अभी भी बोलते लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पता नहीं क्या क्या बोलते रहते. मैं तो वो समझ में नहीं आता. वो जो टेंस का तरीका है ना मेरे को बिल्कुल गंदा तरीका लगता है उससे बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आई किसी को.
अब बताओ सेंटेंस यहाँ पे और काम किया गया है या किया जा चुका है? They have been waited for 2 hours. Election हो चुका है या selection हो चुका है बोलो, या exam हो चुका है, ये सब यहीं पे आएगा ना. Exam has been conducted. He has been selected. He has been selected. अब ये क्या हुआ? ये select हुआ, इसने कुछ select नहीं किया किसी को. He has been selected. उसका selection हुआ ना, तो passive voice. समझ में आपको? चलो, now move on to the next sentence. ये समझ में आ गया आपको? हाँ. लिख लिया सबने? नहीं भी लिखा था, YouTube पे है ना, वीडियो पे है. टेंशन नहीं है अभी. फिजिकल क्लास होती तो टेंशन होता ना. मैं सब रिकॉर्ड हो रहा है. Whatever I am teaching. नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप. सब्जेक्ट प्लस अगेन टू हैव वर्ब में से हैज हैव हैड कुछ भी ले लो आप. टू हैव वर्ब प्लस यहाँ पे अगेन बीन ले लेते हैं प्लस. अब यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. लेकिन यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग आगे जाके सिंस या फॉर लगाते हैं. सिंस या फॉर लगा के टाइम देते हैं हम लोग. सिंस या फॉर लगा के टाइम देते हैं. They have been waiting for 2 hours. और मतलब क्या होता है? काम, मतलब क्या होता है? काम समय से चल रहा है. काम उस समय से चल रहा था. थे थी. सर वो लास्ट में क्या लिखा है? सिंस या फॉर, एस आई एन सी सिंस या फॉर, फॉर के बाद टाइम. टाइम क्या सर? सिंस फॉर के बाद टाइम लगा दो. दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर. देखो मैं सेंटेंस सिंपल बताता हूँ. जैसे अगर बोलूँ यहाँ पे तो क्या लगाना है? Had, have, या had में से कोई एक लेना है. ठीक है, अब मैं बोलूँ कि he has been waiting for you since morning. He has been waiting for you since morning. दिख रहा है ना? तो देखो he has been यहाँ पे क्या क्या वेटिंग फॉर यू सिंस और टाइम देना क्या मॉर्निंग. ऐसा बनाओ सेंटेंस. दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर. दे हैड बीन बीन टॉकिंग टॉकिंग ओवर फॉर ओवर एन आवर. आर फॉर लगेगा यहाँ. जब इनडेफिनेट टाइम हो तो फॉर लगता है और जब डेफिनेट टाइम हो तो सिंस लगता है. जैसे सिंस 9 o'clock, सिंस लास्ट मंथ. समझ में आया ना? और फॉर ओवर एन आवर. अब वो घंटा पता नहीं ना कौन सा घंटा. अगर फिक्स होगा क्या होता है? सिंस 3 o'clock. अगर टाइम फिक्स है तो सिंस लगाओगे, और टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर लगाओ. फॉर ओवर एन आवर मतलब एक घंटे से लगे हुए बात कर रहे थे. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months. आई हैव बीन हेलो सर. हेलो. हाँ बोलो. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months. फॉर द लास्ट 6 months. फॉर द लास्ट 6 months. पिछले 6 महीने से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. सर वो दे हैव बीन टॉकिंग आएगा ना? दे हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर. दे फर्स्ट. हाँ ये वाला. हाँ वही वाला.
नहीं नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है बेटा, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन ओवर एन आवर, मतलब क्या एक घंटे से बात कर रहे थे, और आप जो बोल रहे हैं मतलब एक घंटे से बात कर रहे हैं, मतलब अभी भी कंटिन्यू है. ये वाले में क्या होता है, बात कर रहे थे काम खत्म हो गया है, और आप जो अगर हैव लगा देते हो मतलब बात कर रहे हैं अभी भी कंटिन्यू, अभी भी चल रहा है, दो घंटा और चलेगा. ओके ओके समझ में, मतलब समझ लो ये आपका फ्री वाला रिचार्ज है तो हैव आ जाएगा, और पैसा लग रहा हो तो हैड आ जाएगा. ओके ओके समझ में. हां हां फ्री में लग रहा तो दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन ओवर एन आवर नहीं बोल सकते, ओवर फुल नाइट भी बोल सकते हो, चलता रहता है. पहले रिलायंस का आता था ना रात भर फ्री, हां है ना, तो वहां हैव लगता था, अभी जब से सब पैसा लगने लगा तब से हैड हो गया है. ठीक है, जोक से पार्ट बोलो. I have been recruiting an employee for. अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात. ये सब्जेक्ट में खाली आई वी यू दे खाली प्रोनाउंस नहीं बनता बेटा, ये सब्जेक्ट जो होता है ना, कल दिमाग में बैठा लो, आप लोग दिमाग में क्या आ रहा मालूम, खाली आई वी यू दे, ये रटाया किसी ने बच्चों में, ऐसा लग रहा ही सी इट, इसमें बहुत इरिटेशन है. इसको छोड़ के कुछ बना सकते हो तो बताओ, ये तो मुंह बंद रखना, बोर हो गया मैं इसे सुन सुन के. आई वी यू दे ऐसा लग रहा है, इंग्लिश किताब लिखते हैं ना जैसे राम has been going to Delhi for आई बड़ा क्या बोला, राम लिख दिया. ठीक है राम बोल दो बाबा, चलो नाम भी वही है ना, ये प्रोनाउन है, और आगे नाउन में आएगा मोहन सुमन सीता गीता, ये भी बचपन से आ रहा है. मोहन सीता, द पोएट हैड बीन राइटिंग पोएम्स, वैसा बोलो, द पोएट हैज बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग, सुबह से पोएम लिख रहा है, वो लिखा तुम लिखो, सब्जेक्ट और कुछ बनाओ, ये नहीं चाहिए मेरे को, इससे बहुत इरिटेशन है मेरे को, तो ये तो बन ही जाता हर केस से, मुझे बनाना है सब्जेक्ट कुछ और भी लो ना. द फॉर्मूला हैज बीन, नहीं उस पर डिराइव हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, फॉर्मूला डिराइव किया गया है, किया जा रहा है ना, काम चल रहा अभी भी. क्या बोलोगे, अभी सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो अपना वैक्सीन बना रहा है, बना रहे हैं, अरे हो रहा है, काम चल रहा है ना अभी भी. The building has been constructed. मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सीरम इंस्टीट्यूट जो है, मैं बोल रहा हूँ जो सीरम इंस्टीट्यूट है, आपको पता है ना पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, एंड दे आर मेकिंग वैक्सीन फॉर दिस कोरोना वायरस. उधर आग भी लग गई थी. हाँ आग भी लग गई थी, सब पता रहता तुम्हें, है ना. तो अब इसका सेंटेंस बताओ कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है पिछले 6 महीने से वैक्सीन बना रहा है, बोलो इसका सेंटेंस. सब्जेक्ट क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट. सीरम इंस्टीट्यूट हैज बीन वर्किंग ऑन वैक्सीन. एक्टिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, ये पैसिव एक्टिव एक्टिव कर रहा है ना कोई काम, सब्जेक्ट खुद कर रहा है ना कुछ काम, यहां पे सब्जेक्ट साथ थोड़ी कुछ हो रहा है, एक्टिव वॉइस. खाली बीन लग गया तो पैसिव मत बोलना, बीन लगेगा तो पैसिव होता, बी आई एन जी, मैंने बताया था आपको, बीन लगने में पैसिव नहीं है, बीन लगने में पैसिव होता, बी आई एन जी, दोनों डिफरेंस है, वो बड़ा भाई के पास है, ये तो बहन है बड़ी वाली, इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है. द सीरम इंस्टीट्यूट हैज बीन मेकिंग वैक्सीन फॉर कोरोना, मेकिंग वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस सिंस वन ईयर, पास्ट 6 मंथ्स, या फॉर द पास्ट 6 मंथ, या फॉर द पास्ट 6 मंथ, अगर फिक्स टाइम है तो फॉर द पास्ट 6 मंथ, या सिंस जनवरी, या सिंस फरवरी. और बताओ, मॉर्निंग में टाइम फिक्स थोड़ी है, 6 o'clock थोड़ी बोला, बट सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस देन, तब से, लेकिन वो फिक्स टाइम होता है, हमारे दिमाग में फिक्स होता है टाइम, सिंस देन, जब से उसके फादर की डेथ हुई है ना तब से उसका मूड थोड़ा ऑफ रहता है. ठीक है समझ में आता है, सिंस देन वो भी लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिक्स टाइम है ना, आपको दिमाग में तो है ना फिक्स टाइम है, बट फॉर में फिक्स टाइम नहीं होता, फॉर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने था, वो पता नहीं 6 महीने कब से, फॉर द लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से, कौन सा 3 घंटा नहीं पता. The child had been studying since morning. Yeah. We have been studying since morning. The child. The child. अच्छा the child. चलो अच्छी बात है. We इस तरह हट गए. The child has been studying since morning. सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा.
focus classes has been conducting online lectures for the last 6 months. Yes, since September. Yes, since August. समझ आ रहा आपको? जब fixed time दोगे तो since. और अगर मैं बोलूँ for the last 6 months तो फिर for आएगा. जब fixed time नहीं है तो for. जब fixed time होगा तो since. ड्राइवर जो है पिछले 6 घंटे से गाड़ी चला रहा है. बोलो. The driver has been. The driver has been. Has been driving for last since 6 months. Since 6 months, 6 months से ज़्यादा ऐसा नहीं बोलो. For the last 3 hours. Yeah, since morning. Yeah, since last night. Since last night बोल सकते हो. पिछले रात से चला रहा है वो. और कोई काम बताओ जो काम उस समय चल रहा है. ये मेट्रो काम जो है ना पिछले 2 साल से चल ही रहा है यहाँ मुंबई में. बोलो जरा, गुस्सा आ रहा है ना आपको? गुस्सा आ रहा है ना मुंबई में मेट्रो काम जो है पिछले 2-3 साल से चल रहा है. तो यही बोलो कि मुंबई में मेट्रो का काम पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ऐसा बोलो. मुंबई, अरे मुंबई नहीं आएगा मैडम. पहले मुंबई थोड़ी कुछ कर रहा है. कर कौन रहा है? द मेट्रो वर्क. The metro construction has been going on. The metro work has been continuing or going on for the last 2-3 years. Yeah, since 2016. Yeah, 2017. जैसा बोलना आप. समझ में? उन लोगों का पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा है. बोलो जरा, बोल बोलते तुम लोग. उनका पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा है. क्या बोलोगे? दे हैव बीन डेटिंग. अब टाइम फिक्स नहीं है, आपको नहीं पता कब से चल रहा है. आपको बता रहे बेवकूफ बना रहे, 3 साल से पिछले 6 साल चल रहा था. क्या बोलोगे? फॉर द लास्ट 5-6 ईयर. समझ आया आपको? सर फिर से बताओ. हाँ, ये फिर से बताओ, जरूरी है ना. ठीक है. They have been dating for the last 3-4 years. ये समझ में आया आपको? The movie has been shooting for last 2 months. The movie has been shooting. नहीं बोलते. The movie shoot थोड़ी कर रहा है. We have been shooting movie for the last 3 months. आप shoot कर रहे हो ना movie को. Movie थोड़ी shoot कर रहा है. Movie has been shooting का मतलब होता है movie shoot कर रहा है. जो subject होगा वही कुछ कर रहा है. Active voice है. आप यहाँ पे जो भी लगाओगे वही कुछ करेगा. आपने यहाँ movie लगा दिया तो movie करेगा. मुंबई लगा दिया मुंबई करेगा. समझ में आ रहा है आपको? आपको यहाँ जो लगाना ध्यान रखना वही कुछ करेगा. एक्टिव वॉइस है वो. पैसिव वॉइस वाले में डालोगे वो चीजें. चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखें. ये समझ में आया ना आपको? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर. सब्जेक्ट plus to have verb plus क्या क्या लिया तुमने? been plus verb को third form लिया था. been plus ing लिया था ना. ये बनाओ. ये सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब लगाया है, फिर टू फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस बनेगा एक्टिव वॉइस में. और मीनिंग क्या आएगा? काम करना है, था, थे, या थी, या काम करना
पढ़ता है यति। काम करना है या करना पड़ता है या पढ़ता था या पढ़ते थे ऐसा आता है। जैसे सेंटेंस बनाओ आप इसमें यू यहाँ पे टू हैव वर्ब में हैज हैव और हैड इन तीनों में से कोई एक लेना है टू हैव वर्ब में। यू हैव टू गो देयर तुम्हें वहां जाना है। यहाँ देखो आप यू लगा लिया सब्जेक्ट हैव हो गया यहाँ से ले लिया हैव और यह हो गया टू और टू के और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो यू हैव टू गो देयर तुम्हें वहां जाना है मतलब काम करना है। और काम करना पड़ता है मतलब क्या होगा जैसे वी हैव टू वर्क टू अर्न मनी हमें पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है ये मीनिंग भी आता है। वी हैव टू देखो यहाँ वी ले लिया हैव ले लिया यहाँ से टू ले लिया यहाँ से वर्क का फर्स्ट फॉर्म वर्क टू अर्न मनी पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है तो काम करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर हैड लगा दिया है लगा दिया डिपेंड करता है सिंगुलर प्लूरल के ऊपर और पास्ट है प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। चलो बनाओ सेंटेंस आप इस पे। बोलो यू हैव टू कम तुम्हें आना है शादी में तुम्हें आना है बोल देते ना कितना था आवाज आ रही है हेलो हाँ सर एक सेंटेंस बताओ मैं आई हैव टू टेक प्रिंट श्रद्धा यादव आपका हुआ चालू हुआ हाँ श्रद्धा यादव यस सर चालू है ना आपका हाँ हाँ बट व्हाट नेम यू हैव जॉइन द क्लास किस नाम से आपको ज्वाइन किया है क्लास मैंने कल ही ज्वाइन किया था कल ही एडमिशन लिया नहीं नहीं यहाँ पर क्या नाम आ रहा है आपका श्रद्धा यादव जो है वो नहीं मैम रेडमी 5 आ रहा है आपका नाम चेंज करो इसमें रीनेम करो आप इसे ओके ओके सर हाँ क्या बोल रहे हो आप सेंटेंस बताओ काम करना या काम करना पड़ता है या पड़ता था या करना करना पड़ेगा पड़ेगा नहीं आएगा ध्यान रखना जैसे अगर यहाँ पर विल लगा दो मैं यू विल हैव टू गो देयर तुम्हें वहां जाना पड़ेगा विल लगाऊंगा तो आएगा ना जब विल नहीं लगाऊंगा तो मतलब क्या आएगा करना है यू हैव टू गो देयर मतलब जाना है यू हैव टू वर्क टू अर्न मनी मतलब हमें काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए सर तो ऐसे होगा ना आई हैव टू टेक प्रिंट आई हैव टू टेक प्रिंट ठीक है मुझे प्रिंट लेना है यू हैव टू टेक प्रिंट ऑफ द फॉर्म डेट यू फिल्ड जो भी आपने फॉर्म फिल किया उसको प्रिंट निकालना है ओके यू हैव टू पे फी ऑन टाइम आपको समय पे पैसा भरना है फी पे करना है भाई मैं भी अपने काम की चीज बता दूं है ना समझ में आया ना यू हैव टू जो भी आपको वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगाना है वो बना दो संडे और मतलब आएगा काम करना है या काम करना पड़ता है और अगर पास्ट अगर हैड लगा दोगे तो काम करना था या करना पड़ता था अब कोई काम करना था जो हुआ नहीं बताओ संडे आई हैड टू गो देयर मुझे जाना था यार वहां पे भूल गया मैं तो आई हैड टू गो देयर मुझे वहां जाना था काम करना था ना मुझे वहां जाना था आई हैड टू गो देयर आई हैड टू रीच देयर और ध्यान रखना टू के बाद हमेशा क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हम लोग इन्फिनिटिव पर टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा सेंटेंस बनाओ और सेंटेंस बताओ आपका नाम क्या है
आप बताओ. We have to sell the product. Good. We have to sell the product. We have to sell the product. हमें product बेचना है. और क्या करना है? You have to attend lecture. You have to attend lecture. मुझे इस बार anyhow exam pass करना है. I have to pass the exam anyhow. मुझे पूजा करना है. I have to worship. और क्या करना है बताओ? मुझे आपको इंग्लिश का मास्टर बनाना है. I have to make you perfect in English. मुझे पानी पीना है. I have to drink water. चलो अब ये हो गया. I will use वाला. मन भर गया आपका? कुछ और शुरू करें अपन सब्जेक्ट में. मैं पहले मन भर देता हूँ ताकि बोर हो जाओगे. हाँ सर, I will use बहुत हो गया. अब बताओ सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट बताओ. अब किसी और को क्या करना है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट लगाना वो कुछ करने लायक हो. ऐसा मत बोलना कि बोर्ड हैज टू. अब बोर्ड क्या करेगा अपने आप, या मोबाइल हैज टू, है ना? ऐसा मत बना देना सेंटेंस जो मतलब ही ना निकले. ऐसा जो भी लगाना वो एक्टिव वॉइस होना चाहिए, मतलब खुद कुछ करने वाला होना चाहिए. I had to pay my fees. अरे बाबा, आई भी यूज़ नहीं सुनना मुझे. The builder wants, वो तो अलग सेंटेंस है. The builder had to, उसे करना था. क्या करना था? The builder had to deliver the project on time. उसे टाइम पे अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना था. The builder had to pay the स्टाफ को पेमेंट करना था. वैसा बना आगे और देखो. हैज टू, हैव टू, हैड टू, ऑल्सो वर्ब का फर्स्ट फंक्शन. एक्चुअली मतलब जो आता है ना, इसका मतलब आता है कंपल्शन, मजबूरी. कंपल्शन या कंपल्शन का शो करता है, मतलब कोई चीज मजबूरी में करना पड़े, काम करना है. अब चाहते नहीं हो फिर भी पढ़ना है. समझ में आया ना? The teacher has to make student understood. The teacher has to make student understood whatever he is teaching. ठीक है. और क्या करना है? मुझे मैथ के 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है. बोलो. I have to solve max questions. I have to solve 25 question of mathematics. अब आप मुझे बताओ, कोई गवर्नमेंट कुछ करना हो, क्या करना है गवर्नमेंट को? फार्मर के लॉ रिपील करने हैं. फार्मर के लॉ क्या करना है? चेंज करना है. हाँ, अमेंडमेंट किया, चेंज करना है. तो क्या आएगा? द गवर्नमेंट हैज टू अमेंड या चेंज द फार्मर्स लॉ. पुलिस को कानून व्यवस्था मेंटेन करना है. क्या आएगा? द पुलिस, क्या आएगा? पुलिस है या है, पहले ये बताओ. पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है? द पुलिस, मुझे ये बताओ, द पुलिस, पुलिस हैज टू या पुलिस हैव टू? हैव, हैव, हैव टू, हैव टू, हैव टू. पुलिस, पुलिस हैव टू आएगा. द पुलिस हैज टू, द पुलिस हैज टू आएगा. पुलिस है आएगा या हैव आएगा बताओ? हैज. ऊपर के नीचे? Has. Has. अरे ऊपर, ऊपर के नीचे, ऊपर वाला या नीचे वाला? Has, has. अरे बाबा, ऊपर वाला निकालो, पूछना तो भी अपने ही लगा रहा होगा. Has, has करोगे? ऊपर, ऊपर वाला, ऊपर वाला. नहीं साहब, ध्यान रखना आप. पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल. पुलिसमैन इज सिंगुलर. पुलिसमैन इज सिंगुलर. पुलिसमैन या पुलिस वुमेन है तो सिंगुलर है,
अदरवाइज आप अकेला पुलिस है, यू हैव टू ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद इट. सर अगर द पुलिस बोला तो? तो भी द पुलिस ही होता है एक्चुअली. पुलिस मतलब पुलिस, पूरी पुलिस जाति के बारे में बात हो जाती है. द रिच मतलब क्या होता है? रिच पीपल. पुलिस मतलब क्या होता है? पुलिस पीपल. द पुअर मतलब क्या होता है? गरीब लोग. पुअर मतलब खाली एक गरीब नहीं होता. द पुअर मतलब क्या होता है? द पुअर पीपल. होता ही नहीं होता, बताओ मुझे. द रिच का मतलब क्या होता है? रिच पीपल. इसी तरह से द पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर पीपल. होता ही नहीं होता है. द रिच आर गेटिंग रिचर. इसका मतलब क्या होगा? एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं. द रिच आर गेटिंग रिचर मतलब क्या? रिच पीपल आर गेटिंग रिचर मतलब अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं. द पुअर शुड बी प्रोटेक्टेड. तो एक ही पुअर को बचाना है, सभी पुअर की बात कर रहे हैं. पुअर पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड आएगा. समझ में आ रहा आपको? द पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल. द पुलिस हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस मैन होगा तो सिंगुलर होगा, पुलिस होगा तो प्लूरल ही होगा. ध्यान रखना हमेशा. पुलिस इज ए प्लूरल वर्ड. People have to maintain social distance. Yeah. People क्या आएगा? Have आएगा? Have आएगा? Have. Have. Have आएगा. People भी plural है. Peoples नहीं होता, ठीक है ना? तो people have to maintain the social distancing. People have to maintain the social distancing. और क्या करना है जो बाकी रह गया जो नहीं हुआ है? करना है या करना पड़ता है मजबूरी में आपको? आप बता दो. तो ऐसा काम जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है, अरे यार पापा की बात माननी पड़ती है, ये भी मजबूरी है. तो वी हैव टू लिसन टू अवर पेरेंट्स. माँ बाप की बात मानना मजबूरी है हमारी, है ना? तो क्या आएगा? वी हैव टू लिसन टू अवर पेरेंट्स. कुछ भी कंपल्सन होगा, मजबूरी होगी तो आपको ये लिखना है, काम करना है. ट्रेन अलाउड नहीं है, इसलिए हमको कार से जाना पड़ता है. बोलो इंग्लिश में वो सेंटेंस अलग है. ट्रेन इज नॉट अलाउड सो वी हैव टू गो बाय कार. समझ में आ रहा है आपको? तो करना पड़ता है ना, मजबूरी है आपकी. ट्रेन के टिकट 3 महीने पहले रिजर्व करानी पड़ती है, ये भी मजबूरी है, तो होगा नहीं ऑन द स्पॉट. बोलो सेंटेंस. ट्रेन के टिकट 3 महीने पहले बुक कराना पड़ता है. द ट्रेन टिकट हैज टू, नहीं टू बी आ जाएगा, करना पड़ता है ना, वो करना पड़ता है अलग हो जाता है. हैज टू बी बुक्ड वाला हो जाएगा सेंटेंस, सॉरी इसमें नहीं आएगा वो. करना पड़ता है वो ट्रेन का टिकट कुछ नहीं कर रहा ना, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ना, वो पैसिव वॉइस बन जा रहा है. यहाँ ट्रेन का टिकट कुछ नहीं कर रहा ना, आपको ऐसा सब्जेक्ट लगाना है जहां पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो. अब जैसे बोला तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लगता है मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा अपने ढंग से. बोलो इसकी इंग्लिश. मुझे अपने ढंग से तुम्हें समझाना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश बताओ. जो गुस्से में बोलता है ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है अपने ढंग से समझाना पड़ेगा. बोलो इसको. I have to tell you my way. मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा, वही बोल सकते हो. या I have to make you understand. मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा. चलो समझ में आ गया आपको ये सेंटेंस. नेक्स्ट लेक्चर समझ में आ रहा सबको? जो नए लोग हैं, क्या नाम है नए लोगों का जिनके आसपास लेक्चर है? श्रद्धा यादव. श्रद्धा बेटा आपको समझ में आ रहा है? यस सर. ओके एनीबॉडी एल्स जो नए हो जिन्होंने एक दो दिन में ज्वाइन किया, मतलब अभी वैसे तो बैच अभी चालू हुआ है कि इंग्लिश का सेकंड लेक्चर? इंग्लिश का सेकंड लेक्चर है. साहिल. साहिल आपको आ रहा बेटा समझ में?
कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। चलो फिर सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब, वर्ब लगाना है प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये सेंटेंस बनेगा पैसिव वर्ब से। काम किया जाना, काम करना है यहाँ पर, यहाँ अगर काम किया जाना है आ थे या थी, काम किया जाना है था थे थी आया, बी मतलब करना होता ना किया, ये बी का मतलब आ रहा है, काम करना है वो आया था, काम किया जाना है या किया जाना था ऐसा मतलब आया यहाँ पे। जैसे द वर्क यहाँ पे आ जाएगा हैज हैव हैड में से कोई एक, हैज हैव या हैड इसमें से कोई एक लेना है टू वर्ब में, तो द वर्क हैज टू बी और उसके बाद वर्क का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम मतलब समय पे पूरा करना है, काम जो है समय पूरा करना है मतलब काम किया जाना है या किया जाना था। अब इसमें सेंटेंस बनाओ और, काम किया जाना है या किया जाना था बताओ। द प्रॉपर्टी हैज टू बी सोल्ड ऑन टाइम, समय पे बेचना है प्रॉपर्टी को, समय पे बेचना है। सर आपने पहले बोला कि काम किया जाना था तो हैज की जगह हैड आएगा ना, मतलब था किया तो किया जाना था, किया जाना था तो हैड आएगा, किया जाना है तो हैव आएगा। ओके सर, किया जाना है तो हैव आएगा, किया जाना था है तो हैड आएगा। कोई डाउट? The lecture has to be recorded on time. The lecture has to be recorded. The lecture has to be recorded. अब आगे जो भी लगाना हो। आगे और बताओ, काम किया जाना है या किया जाना था, क्या किया? और यहाँ पर ध्यान रखना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा, अब यहाँ सब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा, अब यहाँ पे वो सब बता डालो जो यहाँ पर करना था। जैसे द ट्रेन हैज टू बी स्टार्टेड, मतलब ट्रेन को चालू किया जाना है, ट्रेन हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड, फ्राइडे से चालू किया जाना है। और किसने आवाज आ रही है पीछे से? नेक्स्ट, अरे भाई बताओ ना, काम किया जाना है, कोई भी काम किया जाना है, क्या काम किया जाना, सारे काम कर लिए क्या आप लोगों ने? इसका मतलब है कोई ऐसा काम है जो बाकी है, जैसे वर्क हैज टू बी कंप्लीट ऑन टाइम, मतलब काम कंप्लीट करना है, लेकिन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जैसे सारे काम जो आपके अधूरे हैं सारे सेंटेंस इसी में तो आएंगे, ऐसा लग रहा है सारे। अरे बिल्डिंग बात की बात है, तुम्हारा बिल्डिंग कंप्लीट हो रहा है क्या? तुम्हारा कौन सा काम बाकी है पहले बताओ, पढ़ाई करना बाकी है कि नहीं बाकी है? हाँ तो बोलो ना, मतलब लाइक बोलो, कोई भी संडे बोलो, जैसे माई मैथ होमवर्क हैज टू बी कंप्लीटेड
बिफोर द लेक्चर, लेक्चर पहले मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट किया जाना है मेरा, तो कोई भी काम जो आपका अधूरा है इसमें आएगा ना, बताओ बहुत सारे काम आपके अधूरे हैं, सारे हो गए ऐसा लग रहा है, बैठ गए आराम से, बताओ आपके कौन कौन से काम अधूरे हैं। YouTube पे लेक्चर देखना बाकी है आप लोगों का, पिछले वाला बताओ, द प्रीवियस लेक्चर हैज टू बी व्यूड बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, और क्या काम करना बाकी है आपका, पानी भरना बाकी है, भर लिया है पानी, कोई भी काम करना बाकी है, सारे काम कर लिए, पहले ये बताओ मुझे, has to be done. हाँ लंच याद आ गया, देखो द लंच हैज टू बी डन, लंच किया जाना बाकी है, हाँ मेरा भी बाकी है अभी, अभी नहीं खाने दूंगा किसी को, और बताओ क्या काम बाकी है। और कौन सा काम है जो अधूरा है बाकी है, तुम लोग तो ऐसा चुप बैठ गए, सारे काम करके बैठ गए, कोई काम नहीं है सर मेरे पास, अब फ्री बैठो तो आओ इधर घूमने चलते हैं, फ्री बैठे हो क्या उधर जहाँ जहाँ पे हो, काम नहीं है कुछ आपके पास, नहीं ना, तो फिर बताओ क्या काम बाकी है, बताओ फिर क्या क्या काम बाकी है, दिन भर के सारे काम बताओ जो आपके बाकी है, सब इसी में आएंगे। मुझे मार्केट से सामान लाना है। मार्केट सामान लाना है, क्या बोल सकते हो, द ग्रोसरी आइटम हैज टू बी परचेज फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, या द वेजिटेबल्स हैज टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट, जो भी सामान लाना है आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ काम होना है, ध्यान रखना आप अपना नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप एक्टिव वॉइस में नहीं हो, पैसिव वॉइस में, तो यहाँ जो सब्जेक्ट लाओगे उसके साथ कुछ होगा, तो सब्जी लेके आया जाना है, और क्या करना है, सब्जी लाना है, ग्रोसरी आइटम लाना है, और क्या काम बाकी है आपका, पढ़ाई करना बाकी है, और क्या काम अधूरा है, प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देखना बाकी है, और सीजीएल का फॉर्म भर दिया, वो भी बाकी है, एग्जाम का फॉर्म भर दिया, वो भी बाकी है, ओपन नहीं हो रहा, भर दिया साइड ही ओपन नहीं हो रहा है, भर दिया साइड, मैंने पहले कहा था लास्ट क्लास में ओपन नहीं होता है, सबको मैंने पहले बता दिया था, गवर्नमेंट की साइट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, 10 दिन हो गए सर साइड ही ओपन नहीं हो रही है, तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, पूछो जितने भी क्लास में बच्चे बैठे सबको बोला था, नहीं बोला था कि 8-10 दिन पहले उनकी साइट बंद हो जाती है, खुलती नहीं है, उसके बाद वो डेट एक्सटेंड करते हैं 5-6 दिन का, उसमें भी नहीं खुलती है साइट उनकी, पहले ही बोला था बंद कर दो, कल ही भर दिया है फॉर्म, कल ब्रो हो रहा है सर, या फिर सुबह 6 बजे भरो, या ऐसा ऑड टाइम में भरो जहाँ पे जिस टाइम पे भीड़ नहीं रहती है, जैसे अभी लास्ट क्लास में बहुत जगने वाले 11th आवर वाले बहुत लोग होते हैं, जगते हैं रात में, जब फॉर्म भरेंगे, अब हम लास्ट डेट आ गई ना फॉर्म भरेंगे, तो साइट क्रैश हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। So the form has to be filled. Form bharna baki hai aapka. The CGL form has to be filled. Aur kya kaam baki hai? Agreement karna baki hai. The agreement has to be done. Ya completed. Aur kya kaam baki hai? लैपटॉप खरीदा है क्या सबने? हाँ। जिसके पास नहीं है बोलो, द लैपटॉप हैज टू बी परचेज्ड, लैपटॉप खरीदना बाकी है, पैसा कमा लिया क्या बहुत सारे, तो बोलो पैसा कमाना बाकी है, सब तो बाकी है, आप हुआ क्या अभी तक लाइफ में, शादी हो गई क्या आपकी? नहीं सर। तो लिखो मैरिज हैज टू बी डन, शादी करना बाकी है, अरे बताओ ना जितना काम बाकी है सारे बताओ, सारे पंडित हूँ मैं, करवा दूंगा शादी, टेंशन मत लो, है ना, आई एम मिश्रा, पंडित लोग शादी कराते हैं ना, देखो मैरिज हैज टू बी डन, और क्या काम बाकी है बताओ, सारे काम करवा देता हूँ मैं आपके, आज ही खत्म करवा देता हूँ सारे काम, थ्योरेटिकल खत्म कर दो, प्रैक्टिकल बाद में करना, बताओ क्या क्या काम बाकी है अभी आपका? सर नहाना बाकी है। नहाना बाकी है अभी, ठीक है बाबा तुम तो ग्रेट हो, ठीक है बताओ बाबा, बताओ आप लोग बताओ, नहाना बाकी है, कैसे बताओगे भाई, जिसका बाकी नहीं वो बोल दो उसको बुरा ना लगेगा, सेंटेंस आप बना लो ताकि सब पे आ जाएगा नाम, बोलो नहाना बाकी, इंग्लिश में बताओ क्या बनेगा,
द बाथ हैज टू बी टेकन, नाना बाकी है. और क्या बाकी है? हिसाब करना बाकी है, हिसाब भी कर लिया सब. द अकाउंट हैज टू बी कंप्लीटेड या मैच्ड, मैच करना बाकी है या कंप्लीट करना बाकी है. द करियर हैज टू बी मेड, मतलब करियर बनाना बाकी है. और टीजीएल क्रैक करना बाकी है. सीजीएल एग्जाम हैज टू बी क्रैक्ड, जो भी बाकी सब आ जाएगा इसके अंदर सेंटेंस. समझ में आ गया आपको? ये आसान लगा सेंटेंस आपको कि जो भी बाकी सब इसके अंदर आएगा, जो भी काम अधूरा है ये स्ट्रक्चर में डाल देना और पैसिव वॉइस बनेगा. आप काम करना, आपको काम करना नहीं है, काम करना बाकी है. कोई भी काम, जो भी सब्जेक्ट है वो चीज बाकी है आपका. चलो मूव करें, मूव ऑन, कॉल करें तो नेक्स्ट सेंटेंस. यस, समझ में आया ना आपको ये? हाँ. नाउ द सिक्स्थ वन, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस टू हैव टू बी और यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए, होना चाहिए है, था, थे या थी, डिपेंड करता है क्या ले रहा है. एडजेक्टिव होना चाहिए, सेंटेंस बनेगा इसमें. सब्जेक्ट के बाद टू हैव वर्ब, फिर टू बी, फिर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होना चाहिए. जैसे बोलो यू, यहाँ सब्जेक्ट ले लिया और सेंटेंस क्या बनेगा? ये एक्टिव वॉइस बनेगा. यू हैव टू बी, ये टू बी और टू बी वर्ब नहीं है. टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब यहाँ पे, टू बी नॉर्मल टू बी है. यू हैव टू बी एडजेक्टिव, क्या होना चाहिए? यू हैव टू बी, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ to crack the exam. You have to be intelligent enough to crack the exam. मतलब आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब एडजेक्टिव होना चाहिए, जिसको मुझे चाहिए था. और कौन सा एडजेक्टिव होना चाहिए था? अब मैं सेंटेंस बनाता हूँ. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाऊ, द क्लर्क हैज टू बी होना चाहिए, है होना चाहिए, है क्या होना चाहिए? द क्लर्क हैज टू बी ऑनेस्ट, द क्लर्क हैज टू बी ऑनेस्ट, क्लर्क को ईमानदार होना चाहिए. द क्लर्क हैज टू बी ऑनेस्ट, तो ईमानदार होना चाहिए. समझ गया ना? ऐसा बनाओ सेंटेंस आप. क्या होना चाहिए? द स्टूडेंट हैज टू बी पोलाइट, द स्टूडेंट हैज टू बी पोलाइट, स्टूडेंट को पोलाइट होना चाहिए. The parents has to be understanding, है ना? Parents को understanding होना चाहिए. आजकल students सबसे ज़्यादा problem वही चीज़ से होती है ना? The professor has to be knowledgeable. The professor has to be, हाँ बताओ मेरे लिए बता दो क्या? The professor has to be knowledgeable. Knowledgeable, हाँ knowledgeable होना चाहिए. अब पता नहीं knowledge है कि नहीं है, जो भी है share कर देता हूँ मैं. The professor has to be knowledgeable. And hmm.
the boys had to be handsome. The boys बोला आपने तो फिर has नहीं आएगा, have आएगा. The boys have to be handsome. And the girls have क्या बोलेंगे? The girls have to be beautiful. इंटेलिजेंट कैसी लड़की चाहिए आप लोगों को? ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट. हाँ, क्योंकि चाइनीज इंटेलिजेंट होती हैं और कोरिया वाली ब्यूटीफुल होती हैं. चाहिए कौन सी, चाइनीज या कोरिया? इंडियन तो होती नहीं है, है ना? इंडियन चाहिए नहीं किसी को, सब फॉरेन जाना चाहते हैं. वीजा पासपोर्ट से वहीं का मिलेगा, टेंशन मत लो. नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कहाँ जाना है? वो कौन था वो जो डिक्टेटर है, साउथ कोरिया का है ना, क्या नाम है उसका, जिम चिंग, वहां भेज देंगे. किम जोंग उन, क्या नाम है, क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, किम जोंग उन. हाँ, जाना है क्या उसके पास, है ना? चलो आगे बताओ, हमारा हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, ऐसा होना चाहिए. बताओ कैसा होना चाहिए. द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी क्या, सेकुलर. द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी सेकुलर. प्राइम मिनिस्टर हमारा कैसा होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए. सेकुलर मतलब सेंस, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मराठी हिंदू कुछ नहीं मतलब होना चाहिए उसको, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द इंडिया. तो उसको कैसा होना चाहिए, प्रजा के लिए एक एक जैसा रहना चाहिए सबके लिए. द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी सेकुलर. आगे कैसा होना चाहिए बताओ आप, कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए बताओ. और कौन कैसा होना चाहिए बताओ ना आप. अब तो ऐसा लगा सब अच्छे अच्छे ही हैं, अरे बुरे भी होने चाहिए कुछ बताओ. दोस्त कैसा हो, अब मैं ही पूछता हूँ तुम बताते हो. दोस्त कैसा हो, लॉयल. दोस्त कैसा होना चाहिए, लॉयल. लॉयल होना चाहिए. द फ्रेंड हैज टू बी लॉयल. और कैसा होना चाहिए, हस्बैंड कैसा होना चाहिए, स्मार्ट ब्यूटीफुल हैंडसम या लॉयल, क्या चाहिए? लॉयल. लॉयल चाहिए, काला चलेगा, है ना, लॉयल होना चाहिए. ठीक है, गुड गुड गाइस, एंड अंडरस्टैंडेबल. अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, दैट्स गुड. तो वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे सेंटेंस वही तो बनाना, जो जो चाहिए बता दो, भगवान के भगवान से मांग लो जो चाहिए. इधर मांगने वाला तरीका है पूरा यार, भगवान से मांग लो जो चाहिए, बताओ. सेंटेंस बनाते जाओ, भगवान देते जाएंगे. क्या क्या चाहिए बता दो, कैसा होना चाहिए, कोई भी चीज कैसा होना चाहिए आप बता दो. माँ बाप कंजर्वेटिव नहीं होने चाहिए, अब बताओ सेंटेंस. बनेगा यहाँ पे, बाकी शुड में चला जाएगा, शुड नॉट बी कंजर्वेटिव, है ना. यहाँ से बनाना जमेगा नहीं, बना सकते हो आप लेकिन वो प्रॉपर जमता नहीं है. पेरेंट्स हैज नॉट टू बी कंजर्वेटिव, बना लोगे लेकिन वो जमता नहीं है, ऐसे बोलते नहीं हम लोग, ज्यादातर शुड लगा के बोलते चाहिए. भूषण पाटिल कौन है, फिर कैसा होना चाहिए बताओ. क्या हुआ भाई, इतनी शांति से क्लास चलाओगे, बताओ ना क्या होना चाहिए. अगर मॉडलिंग में जाना चाहते हो कैसा होना चाहिए, लड़का या लड़की कोई भी हो कैसा होना चाहिए. द गर्ल और बॉय हैज टू बी टॉल इनफ टू कॉन्टेस्ट फॉर मॉडलिंग, लंबा होना चाहिए ना,
the girl or boy has to be tall enough to contest for modeling. बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए बोलते हैं ना बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए बोलो बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए इंग्लिश बोलो इसकी बॉय नहीं बोला मैंने बंदा बोला तो गाय द गाय हैज टू बी एजुकेटेड या ग्रेजुएट जो भी आपको चाहिए जैसा भी चाहिए हम अपने हिसाब से बता रहे हम हायर करते हैं हम पहले बताते हैं ऐसा होना चाहिए उसमें इंग्लिश आनी चाहिए है ना हेलो सर लेकिन वो वैसे भी अपडेटेड वर्ब का शॉर्ट फॉर्म लगा था ना टू बी के बाद इसमें चला गया इसमें एडजेक्टिव नहीं है क्वालिटी नहीं है ना अपडेटेड अपडेटेड आपका वर्ब हो गया ना तो वर्ब थर्ड फॉर्म इसके पहले वाला सेंटेंस में जाएगा टू बी का वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया था ना मैंने हां हां उसमें जाएगा फोर्थ फिफ्थ वाला सेंटेंस में जाएगा जहां पे आपको एडजेक्टिव बताना है जो चाहिए द प्राइम मिनिस्टर हैव टू बी ब्रेव टू टेक टफ कॉल्स द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी ब्रेव इनफ टू टेक द टफ कॉल्स गुड The police have to be कैसा होना चाहिए पुलिस कैसी होनी चाहिए आपको कैसे ड्रीम इच्छा कैसी है कैसी होनी चाहिए पुलिस हमारी The police have to be non-bias होना चाहिए मतलब पक्षपात नहीं करनी चाहिए पुलिस को जो एक्चुअल है उसके हिसाब से करना चाहिए केस के हिसाब से The police have to be non-bias तो ये समझ में आया आपको यस सर मैं सेंटेंस देखे यस समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को आ रहा है सर आप लोगों सबको होमवर्क है इसमें सेंटेंस सेंटेंस बना के और भेजना है पिछले बार बोला था भेजा नहीं किसी ने पिछले बार बोला था मैंने किधर भेजना है ग्रुप में जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में भेज दो क्लास के ग्रुप में हो गए ना उस ग्रुप में भेज दो आप नेक्स्ट देखें आप सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस सब में बनते हैं अब यहाँ पे क्या बनता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में ध्यान रखना यहाँ पे वर्ब नहीं लगाना कोई भी वर्ब तो बिल्कुल नहीं लगाना अपना सेंटेंस बनेगा जैसे आई हैव अब यहाँ पे हैड ये लगाया आई हैव माय आई हैव माय I have yeah, बोलो I have अच्छा यहाँ पे जो है ना ऑप्शन रखो एक यहाँ पे एक मिनट कॉम्प्लीमेंट में आप यहाँ पे लिखो बिन ऑप्शन रहेगा बिन ऑप्शन रहेगा मतलब I have के बाद कॉम्प्लीमेंट लगा सकता हो या यहाँ पे हैज हैव हैड का बिन लगा के फिर कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो जैसे आई हैव माय ओन ड्रीम्स मेरे खुद के अपने सपने हैं अब यहाँ देखो आई लगाया मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट टू हैव वर्ब में से क्या लिया मैंने हैव तो आई के साथ हैव लगता है प्लूरल माना जाता है आई को सिर्फ आई के साथ एक जगह सिंगुलर होता है आई वॉज बाकी सब जगह आई को प्लूरल माना जाता है आई डू होता है डज नहीं होता आई हैव होता आई हैज नहीं होता ठीक है और आई के साथ इज एम आर में से तो एम होता है और आई वर भी होता है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता तो नॉर्मली सर एक ही जगह पे सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है आई वॉज बाकी सब जगह प्लूरल की तरह यूज किया जाता है तो आई को प्लूरल नहीं माना जैसे आई कम होम लेट कम्स नहीं होता सिंगुलर होता है ही कम्स होता है बट आई कम्स नहीं होता आई कम होता है
देयर होता है, आई ही गोज देयर होता है, तो आई ज्यादा प्लूरल होता है, देखने में लगता है कि आई एक ही तो आदमी है तो सिंगुलर होना चाहिए, बट आई मैक्सिमम टाइम में प्लूरल होता है, सिर्फ आई के साथ वॉ जाता है वहीं पर सिंगुलर भी यूज होता है, वो एक्सेप्शन मान लो उसको। तो देखो यहाँ पे आई लिखा, फिर हैव आया यहाँ से, टू हैव लिया, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया, क्या होता है माई ओन ड्रीम्स, यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड लिखोगे दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरा करने का, सप्लीमेंट होता है ना पूरा करने, पूरा पूरक परीक्षा होती है ना, तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। आई हैव माय ओन ड्रीम्स, मेरे खुद के सपने हैं, और बीन भी लगा सकते हो, जैसे ही हैज बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मेरा दोस्त है। ही आपने लगाया सब्जेक्ट हैज बीन, देखो यहाँ पे हैज, यहाँ से बीन, और फिर ये माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। इसे मैं एक्टिव पैसिव नहीं बोल सकता, क्योंकि सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंड करेगा, और बीन वाला ही बना सकते हो, बिना बीन लगाए बना सकते हो, बीन ऑप्शनल है, अब चाहो तो लगाओ चाहो तो मत लगाओ, कॉम्प्लीमेंट कैसे बना सकते हो। ठीक है, बताओ आप सेंटेंस बनाओ बनाओ बताओ। बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा। कैफे हैज बीन गिविंग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स ऑन सिलेक्टेड कॉफी। अरे भाई यार कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट डालना जरूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंटेंस पूरा करने के कुछ भी डालो आप, ऐसा नहीं कॉम्प्लीमेंट लिखा तो कॉम्प्लीमेंट्री डालना ही है। फिर भी आप बताओ क्या बोला आपने, सब्जेक्ट क्या लगाया, बोलो बोलो। कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंटेंस पूरा करने के लिए जो वर्ड लिख रहा हूँ दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, बस यहाँ पे वर्ब नहीं आना चाहिए। बताओ They have been with me. They have been with me since. They have been with me since 2012. 2002. 12 से मेरे साथ हैं. They have been with me since 2002. ये 2012. मेरे साथ 2012 से रह रहे हैं. They have been with me. अब वो चाहो तो living with me डाल दो, लेकिन living नहीं लगा सकते क्योंकि compliment है वहाँ पे, वो नहीं लगा सकते। They have been with me. जैसे इस नहीं लगाओ तो भी चलेगा। They have been with me या फिर since 2012 नहीं लगा के वो जमेगा नहीं, कि living लगाना पड़ेगा ing. They have been with me in the car बोल दो। Yeah, they have been with me in the same house for 3 years. तीन साल तक मेरे घर में साथ में थे वो लोग। They have been with me in the same house for 3 years. तीन साल तक मेरे साथ मेरे घर पर रहे। तो they have been के बाद अब देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ मैं, कुछ नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ, वर्ब नहीं लगा रहा हूँ। सर ऐसा सेंटेंस आएगा कि उन्होंने बुरे समय में मेरा साथ दिया। उन्होंने बुरे समय में मेरा साथ दिया तो वो तो हेल्प आ गया ना, तो फिर वो ही हैज हेल्प हो जाएगा ना, वो तो थर्ड को पहला स्ट्रक्चर में चला जाएगा। वर्ब लगाना ही नहीं है ना, काम किया तो बोल नहीं सकते यहाँ पे, काम नहीं करना है। अब देखो एक भी सेंटेंस का मतलब निकालो यहाँ पे सबके। आई हैव माई ओन ड्रीम्स, मेरे खुद के सपने हैं, कहाँ पे काम की बात ही नहीं करना है यहाँ पे। तो काम की बात करोगे तो वर्ब लग जाएगा, आपको काम करना ही नहीं है इसमें। बहुत काम कर लिया आपने पीछे 6 सेंटेंस में, अब काम करना ही नहीं है इसमें। बिना काम वाले सेंटेंस बताओ, जैसे मेरे खुद के सपने हैं, He has been my friend since childhood, बचपन से मेरा दोस्त रहा है। They have been with me, वो मेरे साथ रहे हैं, रहा है, रहे हैं, या फिर कुछ आपने मतलब I have मतलब खुद का है कुछ, ऐसा कुछ बनाओ सेंटेंस।
काम मत बताना कोई भी, वर्ब बताओगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस बनाओ ना आप, कोई भी सेंटेंस इस टाइप के स्ट्रक्चर में बनाओ, समझ में आएगा आपको। The becoming a pilot had been my dream. पायलट बनना मेरा सपना रहा है। Becoming a pilot, अब यहाँ आ जाएगा had, सपना रहा था। Pilot had been my dream. Becoming a pilot had been my dream. तो becoming a pilot क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ले लिया मैंने had, ये हो गया been, और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया my dream। चीजें बना सकते हो आप। कोई डाउट यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आया सबको, बना लो स्ट्रक्चर नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट किसी को? यस सर। तो शैल वी एंड अप द क्लास, क्योंकि कई लोगों को लंच करना है अभी। ठीक है, ओके ओके देन फाइन, ओके सर, लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you. Same lecture will be repeated in the evening also. If you have any doubt, you can attend the evening lecture also. Got it? Okay, sir. Okay. Yes, sir.